श्वसन और गैसों के विनिमय के पार्ट थर्ड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसों का परिवहन। इससे पहले हमने गैसों के विनिमय या आदान प्रदान के बारे में पढ़ा है। गैस ऑक्सीजन और CO2 किस प्रकार से परिवहित होती है उसके बारे में हमें गैसों के परिवहन के अंदर पढ़ना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि O2 और CO2 का परिवहन रक्त के माध्यम से संपन्न होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बाहरी वायुमंडल से वायुकूपिका में आ रही है और वायुकूपिका से रक्त के माध्यम से ऊतक में जाएगी। इसी प्रकार CO2 ऊतक से वायुकूपिका में रक्त के द्वारा लाई जाती है और वायुकूपिका के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ऑक्सीजन के परिवहन में 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित RBC के द्वारा, या फिर हम ये बोल सकते हैं RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यानी टोटल ऑक्सीजन के परिवहन में 97% ऑक्सीजन का परिवहन RBC द्वारा होगा, जबकि 3% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के प्लाज्मा भाग द्वारा होता है। रक्त का प्लाज्मा भाग उसका तरल भाग होता है। कणिकाओं को यदि हम हटा दें, RBC, WBC, प्लेटलेट्स को हटा दें, तो जो तरल भाग बचता है रक्त का उसे प्लाज्मा कहते हैं। उस भाग के द्वारा 3% ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। इसके बाद CO2 के परिवहन में 20-25% CO2 का परिवहन RBC के द्वारा किया जाएगा। 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। अभी बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में किस प्रकार होगा? जब CO2 रक्त में आएगी, रक्त के प्लाज्मा में जल का अणु उपस्थित है, CO2 H2O के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाती है कार्बोनिक अम्ल। यह H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में H+ और HCO3- आयन यानी बाइकार्बोनेट आयनों के अंदर टूट जाता है और इस रूप में CO2 का परिवहन किया जाता है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे जब CO2 का परिवहन पढ़ेंगे। अभी केवल इतना याद रखना है, CO2 जल के साथ जुड़ेगी, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाएगी, H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में H+ और HCO3- बाइकार्बोनेट आयन में बदलता है और इस बाइकार्बोनेट आयन के रूप में CO2 का परिवहन किया जाता है। और लगभग 7% CO2 का परिवहन रक्त के प्लाज्मा भाग के द्वारा किया जाता है। अब ऑक्सीजन का परिवहन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद CO2 का परिवहन पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन का परिवहन RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हम जब सभी जानते हैं रक्त के अंदर पाई जाने वाली कणिकाएं RBC, रेड ब्लड कॉर्पसियल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और उन लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का अणु पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन के अणु के द्वारा ऑक्सीजन के परिवहन की क्रिया संपन्न की जाती है। और ऑक्सीजन का जो परिवहन है वह ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना PO2 या ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। जब PO2 का मान अधिक होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, और जब PO2 का मान कम होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना ऑक्सीजन के आंशिक दाब या PO2 पर निर्भर करता है। उच्च PO2 पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है, जबकि निम्न PO2 पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अणु मुक्त हो जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, उच्च PO2, जैसे हम बात करें फुफ्फुस के अंदर या फेफड़ों की जो वायुकूपिका है उनमें PO2 का मान अधिक है, 104 mmHg होता है। तो अधिक PO2 है, ऑक्सीजन का दाब अधिक है, इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेगा।
उच्च पीओ2 पर यह क्रिया संपन्न होगी और फुफ्फुस के अंदर या फेफड़ों में पाई जाने वाली वायु कुपिका के अंदर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण की क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर पीओ2 का मान 104 है जो एक उच्च मान है। इसके विपरीत जब रक्त के द्वारा उस ऑक्सीजन को ऊतक में ले जाया जाता है तो ऊतक की कोशिकाओं में या ऊतक में ऑक्सीजन के आंशिक दाब का मान 40 mmHg होता है जो एक निम्न मान होता है। तो निम्न मान पर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अंदर टूट जाता है, यानी ऊतक में जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन निम्न PO2 के कारण हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन को ऊतकों के अंदर विसरित कर दिया जाता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन का जो अणु है उसके हीम समूह में, यानी हीमोग्लोबिन में एक समूह पाया जा रहा है हीम प्लस ग्लोबिन, इन दो शब्दों से हीमोग्लोबिन बना है। तो हीम समूह में एक आयन उपस्थित होता है, उस आयन को हम फेरस आयन कहते हैं। यानी फेरस आयन किसमें पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन का जो हीम समूह है या आयरन जो समूह है उसके अंदर फेरस आयन उपस्थित है, और हीमोग्लोबिन अणु के हीम समूह में उपस्थित फेरस आयन से ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है। हीमोग्लोबिन अणु में एक हीमोग्लोबिन अणु के अंदर फेरस आयनों की संख्या 4 होती है। Fe+2 के जो आयन है या फेरस आयन जो है एक हीमोग्लोबिन के अणु के अंदर 4 होते हैं, इसलिए एक हीमोग्लोबिन के अणु के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन के अणु के फेरस आयन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेंगे। अब एक हीमोग्लोबिन में फेरस आयन की संख्या 4 है, इसलिए एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना सबसे पहले तो आंशिक दाब पर निर्भर करेगा, इसके अलावा पीएच पर निर्भर करता है, रक्त का पीएच किस प्रकार का है, तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर किस प्रकार का है, थर्ड डाइफॉस्फोग्लिसरेट आयनों पर निर्भर करता है कि डाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन किस क्वांटिटी में किस मात्रा में रक्त के अंदर उपस्थित है। तो इन तीन कारक और एक प्रमुख कारक ऑक्सीजन का आंशिक दाब, इन चारों कारकों पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना निर्भर करता है। इनके आधार पर ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अणु अलग अलग हो जाते हैं। इसके भी आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा PO2 पर निर्भर करती है। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना PO2 या ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। जब PO2 का मान अधिक होता है तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन द्वारा संतृप्तिकरण भी अधिक होता है। यहाँ जो ये संतृप्तिकरण शब्द है, संतृप्तिकरण शब्द हम हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए करते हैं। यानी हीमोग्लोबिन का अणु जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन के अणु का संतृप्तिकरण होता है। या फिर सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण ही हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन द्वारा संतृप्तिकरण कहलाता है। तो PO2 का मान अधिक होने पर अधिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, इसलिए हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन द्वारा संतृप्तिकरण भी अधिक होता है। और जैसे जैसे PO2 का मान अधिक होता जाता है तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन द्वारा संतृप्तिकरण भी बढ़ता जाता है, हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण प्रतिशत की मात्रा भी बढ़ती जाती है।
हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण की प्रतिशतता और PO2 ऑक्सीजन के मध्य संबंध को हम एक वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जो एस आकृति का या सिग्मोइड वक्र होता है, और इसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र कहा जाता है। यानी हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण की प्रतिशतता को जब प्रतिशतता के और PO2 के मध्य के संबंध को जब हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो हमें एस आकृति का एक ग्राफ या वक्र प्राप्त होता है, जिसे हम एस आकृति का वक्र या सिग्मोइड वक्र या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र कहते हैं। इस वक्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि PO2 का मान कम होने पर HbO2 का वियोजन अधिक होता है। अब इसको समझने के लिए इस वक्र को हम समझेंगे। जैसे PO2 है, PO2 हमें पता है mmHg में मापा जाता है, और इस एक्सिस पर हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण है। तो PO2 का मान जब 95 mmHg है तो 97% हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण हो जाता है। यानी लगभग यदि PO2 का मान 95 mmHg है तो 97% हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण हो जाता है। सेकंड, यदि PO2 का मान 44 mmHg है तो 75% हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण होगा, यानी 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी। तो यहाँ PO2 का मान 44 mmHg, ये PO2 का 44 mmHg मान है, तो हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण लगभग 75% होता है। जब PO2 का मान 30 mmHg है, ये PO2 का लगभग 30 mmHg मान है, तो लगभग 50% हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण होता है। इसे एक बार फिर से समझते हैं हम। यहाँ सबसे पहले हमें याद रखना है कि PO2 के कम होने पर HbO2 का वियोजन अधिक होता है, या हम ये बोल सकते हैं PO2 के अधिक होने पर हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण अधिक होता है। अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। सबसे पहले हमने मान लिया एक 95 mmHg यदि PO2 का मान है, ये 95 mmHg है, तो 97% लगभग हीमोग्लोबिन का जो संतृप्तिकरण है वो 97% होगा। सेकंड, PO2 का मान यदि 44 mmHg है, ये 44 mmHg है, तो लगभग 75% हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण होता है। थर्ड, PO2 का मान 30 mmHg है तो 50% हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं PO2 का मान जितना अधिक होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन द्वारा संतृप्तिकरण भी उतना ही अधिक होगा। अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी, और दोनों के मध्य संबंध हीमोग्लोबिन के प्रतिशत संतृप्तिकरण और PO2 या ऑक्सीजन के मध्य आंशिक दाब के संबंध को दर्शाने के लिए जो ग्राफ बनाया जाता है उसे एस आकृति का या सिग्मोइड वक्र या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के नाम से जाना जाता है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये सिग्मोइड वक्र है या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है।
PCO2 PO2 का मान जितना अधिक बढ़ता जाएगा, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत संतृप्तिकरण भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। इस ग्राफ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। और PO2 के अलावा हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण PCO2 के द्वारा भी प्रभावित होता है, तापमान के द्वारा भी प्रभावित होता है और pH से भी प्रभावित होता है। यानी कुछ और कारक है PO2 के अलावा जो हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण को प्रभावित करते हैं। उनमें से एक प्रमुख कारक PCO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, PCO2 का मान अधिक होने पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का निष्कासन होने लगता है। यानी जैसे ही ब्लड के अंदर या किसी भी भाग में PCO2 का मान अधिक होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अणु अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का वियोजन होगा तो ये जो सिग्मोइड कर्व है, अभी सिग्मोइड कर्व किस साइड की ओर उपस्थित है, बाईं ओर। लेकिन इस स्थिति में जब CO2 का मान PCO2 का मान अधिक होगा तो यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र या सिग्मोइड वक्र का विस्थापन दाईं ओर हो जाता है। अभी ये वक्र इधर की तरफ है, लेकिन यदि PCO2 का मान अधिक होगा तो यह वक्र इस तरह से बाईं ओर या बाईं तरफ विस्थापित हो जाएगा। अभी हम बताते किस तरह से विस्थापन होगा। तो ये जो बाईं ओर विस्थापन है ये PCO2 का मान अधिक होने पर होगा। दाईं ओर वक्र का जो विस्थापन है वह PCO2 के मान के अधिक होने के कारण होगा। जब सामान्य स्थिति है PO2 का मान बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण बढ़ रहा है, यानी वक्र बाईं दिशा में स्थित है। लेकिन PCO2 का मान अधिक होने पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का टूटना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये बाईं ओर उपस्थित वक्र दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। और PCO2 के अधिक होने पर HBO2 से ऑक्सीजन का निष्कासन और इसके कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के दाईं ओर विस्थापन के प्रभाव को बोर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यानी PCO2 का मान अधिक होने पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन होना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का टूटना और इसके कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के दाईं ओर विस्थापन की क्रिया बोर प्रभाव के नाम से जानी जाती है। ये जो हमें कर्व दिखाई दे रहा है ये बोर प्रभाव के नाम से इसे जाना जाता है, बोर इफेक्ट या बोर प्रभाव इसे कहा जाता है। अब ये बोर इफेक्ट क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसका सीधा सा रीजन है, जब CO2 ब्लड के अंदर गई तो ब्लड के प्लाज्मा में H2O उपस्थित है, जल के अणु ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाए जा रहे हैं। तो यह CO2 प्लाज्मा में उपस्थित जल के अणुओं के साथ मिलकर H2CO3 बना लेती है, यानी कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगी। CO2 और H2 आपस में मिल जाते हैं और H2CO3 या कार्बनिक अम्ल का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। यह कार्बनिक अम्ल कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में H+ और HCO3- आयनों के अंदर टूट जाता है। यानी जब इस पर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो रक्त में उपस्थित है वह कार्य करेगा तो यह कार्बनिक अम्ल H+ हाइड्रोजन आयन HCO3- बाइकार्बोनेट आयनों के अंदर टूट जाएगा। अब इस क्रिया में जो ये H+ आयन मुक्त हुए हैं, ये H+ आयन ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ते हैं, यानी तेजी से हीमोग्लोबिन के साथ ये H+ आयन जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब हीमोग्लोबिन के साथ ये H+ आयन जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन को स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पाती है, इसलिए HBO2 का वियोजन होना स्टार्ट हो जाता है। HBO2 एक ऑक्सीजन के अंदर और हीमोग्लोबिन के अंदर टूटना स्टार्ट होगा।
यानी कार्बनिक अम्ल के अपघटन से जो H प्लस आयन प्राप्त हो रहे हैं, ये H प्लस आयन प्राप्त हुए ये हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी आ जाती है और इसी कमी के कारण जो ये वक्र है इसका विस्थापन दाईं ओर हो जाता है, जिसे बोर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो इसके भी आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर 17 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। रुधिर का जो प्लाज्मा भाग है उसके अंदर लगभग 7% CO2 घुल जाती है और उस प्लाज्मा के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा के द्वारा CO2 का परिवहन किया जाता है। सेकंड, लगभग 20-25% CO2 का परिवहन RBC द्वारा किया जाता है। RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन का जो अणु है उसमें अमीनो समूह होता है, उसके साथ CO2 जुड़ जाती है और कार्बेमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है और कार्बेमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20-25% CO2 का परिवहन RBC के द्वारा किया जाएगा। थर्ड, लगभग 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में संपन्न होता है। 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में रुधिर के द्वारा परिवहित होती है। अब इसमें पहला वाला जो है 7% सिंपल सा ही है, रुधिर के प्लाज्मा में CO2 घुल जाएगी और घुलित रूप में उसका परिवहन होगा। सेकेंड, 20-25% CO2 RBC द्वारा परिवहित हो रही है। RBC द्वारा परिवहन किस प्रकार से होता है, हीमोग्लोबिन में जो अमीनो समूह है वो CO2 के साथ जुड़ जाता है और उच्च pCO2 पर, CO2 के उच्च आंशिक दाब पर कार्बेमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और यह कार्बेमीनो हीमोग्लोबिन रुधिर के द्वारा परिवहित होता है। RBC के द्वारा इसका परिवहन किया जाता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यदि उच्च आंशिक दाब है CO2 का तो ये दोनों मिलकर कार्बेमीनो हीमोग्लोबिन बना लेंगे, वहीं इसके विपरीत निम्न CO2 का आंशिक दाब होने पर कार्बेमीनो हीमोग्लोबिन CO2 में और हीमोग्लोबिन के अंदर टूट जाता है, हीमोग्लोबिन के अमीनो समूह के अंदर विभाजित हो जाता है। थर्ड, 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में परिवहित होती है। अब बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में परिवहन के अंदर पहले कार्बोनिक अम्ल बनता है, कार्बोनिक अम्ल से फिर H+ और SCO3- आयन बनते हैं और इस क्रिया में एक एंजाइम सहायक होता है, उस एंजाइम को कार्बोनिक एनहाइड्रेज के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो भी CO2 है ऊतकों के अंदर जो CO2 है वो रक्त के अंदर प्रवेश करती है, ऊतक की CO2 रक्त के अंदर प्रवेश करेगी रक्त की RBC में और इसके अंदर उपस्थित जल के साथ क्रिया करती है। CO2 जल के साथ क्रिया करके H2CO3 का निर्माण करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है और यह अभिक्रिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह कार्बनिक अम्ल कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में H+ आयन और HCO3- आयन यानी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में टूट जाता है। अब ये जो प्रोसेस है यह भी उत्क्रमणीय रूप से संपन्न होती है, यानी जैसे ऊतक से रक्त में आई CO2 RBC में गई, CO2 और H2O ने मिलकर H2CO3 बनाया, H2CO3 से H+ और HCO3- आयनों का निर्माण होता है। ये पूरी प्रोसेस ऊतक के अंदर से जब रक्त में CO2 आती है तो कंप्लीट की जाती है।
ये पूरी प्रोसेस उस समय संपन्न होती है CO2H2O का मिलके H2CO3 बनाना और H+HCO3 के अंदर टूटना, जब ऊतकों में उपस्थित CO2 को रक्त के अंदर डाला जाता है। इसी की जस्ट अपोजिट प्रोसेस संपन्न होगी जब रक्त के द्वारा इस CO2 को फुफ्फुस के अंदर या फेफड़े के अंदर बाह्यकूपिका में ले जाया जाएगा। बाह्यकूपिका के अंदर H+HCO3- आपस में मिलकर H2CO3 बनाते हैं। ये CO2H2O बना जो CO2 और H2O के अंदर विभाजित हो जाता है। तो ये उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है। ऊतकों से रक्त में CO2 के डालने पर CO2 और H2 आपस में मिलकर H2CO3 बनाएंगे और H2CO3 H+ और HCO3- के अंदर विभाजित हो जाएंगे। रक्त में जब यह रक्त के द्वारा इस H2CO3 या HCO3- आयनों को ले जाया जाता है, रक्त के द्वारा जब CO2 को फुफ्फुस की बाह्यकूपिकाओं के अंदर छोड़ दिया जाएगा तो H+ और HCO3- आयन H2CO3 बनाते हैं और H2CO3 CO2 और H2O में विभाजित हो जाता है, जिससे बाह्यकूपिकाओं में CO2 पहुंच जाती है और फिर इस CO2 को बाहर वातावरण में मुक्त किया जाता है। और यहाँ एंजाइम जो काम में आता है उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस क्रिया में जो H+ आयन मुक्त हुए हैं उन H+ आयनों को हीमोग्लोबिन ग्रहण करता है और हीमोग्लोबिनिक अम्ल का निर्माण करता है। यानी यहाँ जो H+ आयन निकले हैं इनको हीमोग्लोबिन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और हीमोग्लोबिन इनको ग्रहण करके हीमोग्लोबिनिक अम्ल बना लेता है। यह हीमोग्लोबिनिक अम्ल एक बफर अणु का कार्य करता है जिससे अधिकतम कार्बनिक अम्ल का परिवहन रुधिर द्वारा फेफड़ों तक किया जा सकता है। यानी अम्ल है एक H2CO3 एक अम्ल है कार्बनिक अम्ल, तो इस कार्बनिक अम्ल की अम्लीयता को संतुलित बनाए रखने के लिए हीमोग्लोबिनिक अम्ल बफर अणु का काम करता है और इसी बफर अणु के कारण अधिकतम कार्बनिक अम्ल का परिवहन रुधिर के द्वारा फेफड़ों तक किया जा सकता है। सेकंड जो HCO3- आयन है या बाइकार्बोनेट आयन है वो RBC से प्लाज्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। पहले RBC में थे, RBC से ये प्लाज्मा के अंदर प्रवेश करेंगे और प्लाज्मा में सोडियम आयनों के साथ मिलकर ये NaHCO3 का निर्माण कर देते हैं। RBC से जब HCO3- आयन प्लाज्मा में जाते हैं तो RBC में धनावेशित आयन बढ़ जाते हैं। जो नेगेटिव आयन थे वो RBC से प्लाज्मा में गए तो इसलिए RBC में पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे। पॉजिटिव आयन यदि RBC में बढ़ेंगे तो उसके अंदर धनात्मकता में वृद्धि होगी। पॉजिटिव आयनों की संख्या अधिक होगी तो धनात्मकता की वृद्धि RBC के अंदर हो जाती है। पॉजिटिव आयनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, इस धनात्मकता को संतुलित करने के लिए प्लाज्मा से Cl- आयन RBC में प्रवेश करते हैं। यानी जो उसकी धनात्मकता बढ़ी है RBC की HCO3- आयनों के निकलने के कारण, उसे संतुलित करने के लिए प्लाज्मा से Cl- आयन RBC में प्रवेश करेंगे और इस क्रिया को क्लोराइड विस्थापन के नाम से जाना जाता है। यानी प्लाज्मा से क्लोराइड आयनों के RBC में जाने की क्रिया क्लोराइड विस्थापन कहलाती है, जिससे RBC की धनात्मकता को संतुलित किया जा सके। RBC में जब ये Cl- आयन जाएंगे तो RBC में उपस्थित K+ के साथ जुड़कर ये पोटेशियम क्लोराइड या KCl का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा पोटेशियम आयन के साथ मिलकर KCl या पोटेशियम क्लोराइड आयन का निर्माण किया जाएगा। तो इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। CO2 का हमने इससे पहले रुधिर ऊतक से रुधिर के अंदर किस प्रकार CO2 जाती है उसके बारे में स्टडी की है। H+ और HCO3- आयन मिलकर H2CO3 या कार्बनिक अम्ल बना देते हैं। अब जब रुधिर के अंदर जो CO2 है
तो यह रुधिर जब फुफ्फुस में जाता है या फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों की वायु कुपिका में PO2 का मान अधिक होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि फेफड़ों की वायु कुपिका में रुधिर की तुलना में PO2 का मान अधिक पाया जाता है। वायु कुपिका में PO2 का मान अधिक है इसलिए वायु कुपिका से O2 को रुधिर के अंदर डाला जाता है, यानी रुधिर पहुंचा फुफ्फुस फेफड़े की वायु कुपिका में अब CO2 को लेकर। अब CO2 को लेकर जब रुधिर पहुंचा है तो वायु कुपिका में PO2 अधिक है, रुधिर में PO2 कम है, तो वायु कुपिका से ऑक्सीजन को रुधिर में विसरित कर दिया जाता है, रुधिर के अंदर ऑक्सीजन को डाल दिया जाता है। इसके बाद रुधिर में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित है वह इस विसरित की गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। जब रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ एच मुक्त हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन से H+ आयन मुक्त हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ जो H+ आयन जुड़े हुए हैं वो H+ आयन मुक्त हो जाएंगे क्योंकि इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है, तो H+ आयनों की मुक्ति हो जाती है। ये H+ आयन क्या करते हैं, RBC के अंदर जाएंगे, RBC के अंदर जाएंगे तो RBC से क्लोराइड आयन प्लाज्मा में आते हैं। अब क्लोराइड आयन जब प्लाज्मा में आ रहे हैं तो प्लाज्मा से HCO3- आयन वापस RBC में आते हैं। अब RBC में दो प्रकार के आयन हो जाते हैं, एक तो H+ दूसरा हो जाता है HCO3-। ये दोनों आयन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2CO3, और यह H2CO3 CO2 और H2O के अंदर विभाजित हो जाता है और कुपिका में CO2 को मुक्त कर दिया जाता है। वायु कुपिका से श्वसन मार्ग के द्वारा इस CO2 को शरीर से बाहर वायुमंडल में निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस CO2 के परिवहन के समय जब रुधिर द्वारा CO2 को वायु कुपिका में लाया जा रहा है तब संपन्न होगी। अब इस क्रिया में और क्या-क्या प्रोसेसेस होती है जब CO2 का परिवहन किया जा रहा है, रुधिर जब CO2 को वायु कुपिका में लेकर आया है, RBC में KCl से Cl- आयन मुक्त हो जाएंगे जो जुड़े थे अभी पिछले स्टेप में, तो Cl- आयन मुक्त होंगे और ये Cl- आयन प्लाज्मा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। Cl- आयन RBC से छूटे और किसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में NaHCO3 से HCO3- आयन मुक्त होंगे और इन HCO3- आयन का RBC के अंदर प्रवेश हो जाएगा, यानी प्लाज्मा से HCO3- आयन किसमें आ जाते हैं, RBC में। RBC में H+ आयन आए थे, HCO3- आयन आए थे, इन दोनों द्वारा मिलकर H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनाया जाता है जो CO2 और जल में अपघटित हो जाता है और CO2 का रुधिर से कुपिका में विसरण कर दिया जाता है। जो CO2 अपघटित होने से बनी है उसको रुधिर से कुपिका के अंदर डाल दिया जाता है। तो एक सिंपल सी प्रोसेस है, यहाँ जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है। जब ऊतक से CO2 को रुधिर में डाला जा रहा है तब H+ और HCO3- मिलकर H2CO3 बना रहे हैं और वह H2CO3 CO2 और H2O के अंदर डिवाइड हो रहा है, या उल्टी रिएक्शन होगी, CO2 H2 आपस में मिलकर H+ HCO3 माइनस आयन आपस में मिलकर H2CO3 बनाते हैं और यह H2CO3- यह H2CO3 CO2 और जल में टूट जाता है। इस CO2 को कुपिका का CO2 का रुधिर से कुपिका में विसरण कर दिया जाता है। अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई है कुपिका में रुधिर में O2 और हीमोग्लोबिन के जुड़ने की, कुपिका में जुड़ा है ना रुधिर में O2 और हीमोग्लोबिन, तो कुपिका में रुधिर में O2 और हीमोग्लोबिन के जुड़ने से CO2 का रुधिर से अधिकतम निष्कासन होता है। जब कुपिका के अंदर PO2 के प्रभाव के कारण हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो CO2 रुधिर से अत्यधिक निष्कासित होकर वायु कुपिका के अंदर आ जाती है। इस प्रभाव को हाल्डेन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, यानी कुपिका के अंदर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण
CO2 का रुधिर से अधिकतम निष्कासन हॉल्डन प्रभाव कहलाता है। और हॉल्डन प्रभाव का कारण या रीजन क्या है? सबसे पहले तो HHB जो थे वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया, तो HBO2 का निर्माण हुआ और H+ आयन मुक्त हुए। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना तो HBO2 बना और H+ आयन मुक्त हुए, यानी यहाँ पर ये था हमारे पास HHB, इसके साथ O2 आकर जुड़ा, रुधिर में हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया, तो जो पदार्थ बनेंगे एक तो बन जाएगा HBO2, दूसरा कौन सा बन जाता है H+ आयन, यानी H और HB से H+ आयन मुक्त हो जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और H+ आयन मुक्त हो जाएंगे। ये मुक्त होने वाले H+ आयन RBC के अंदर जाते हैं, RBC में जब धनात्मक आयन H+ आयन पहुंचेंगे तो RBC में KCl से जो Cl- आयन मुक्त हुए हैं वो RBC से Cl- आयन प्लाज्मा के अंदर चले जाते हैं। प्लाज्मा में जब Cl- आयन पहुंचते हैं तो प्लाज्मा में NaHCO3 से जो बाइकार्बोनेट आयन मुक्त हुए थे वो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से RBC के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो RBC में दो प्रकार के आयन हो गए हमारे पास, H+, दूसरे हो गए HCO3-। दोनों आपस में मिलकर कार्बनिक अम्ल बना लेंगे H2CO3, और ये H2CO3 H2O और CO2 के अंदर डिवाइड हो जाता है या टूट जाता है। यह अभिक्रिया भी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसके बाद इस CO2 को रुधिर से कूपिका के अंदर विसरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से, इस तरीके से ऊतकों से वायु कूपिका तक CO2 के परिवहन की क्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीजन का परिवहन हम पहले पढ़ चुके हैं, और इस तरह से CO2 का परिवहन या CO2 के परिवहन की क्रिया संपन्न होगी। इसके भी आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।